डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसमें डीडवाना कुचामन जिले के जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, PWD डिपार्टमेंट, नगर परिषद वाले डिपार्टमेंट के समस्त अधिकारी कर्मचारी CM के दौरे की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा के पदाधिकारी भी CM दौरे की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने व प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, जिसमें हेलीपैड की व्यवस्थाओं को देखा गया है। वहीं शहर की साफ सफाई व साथ ही जिस जगह मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, एक बैठक लेंगे, गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया है। वहीं मुख्यमंत्री के रोड शो के मार्ग का भी निरीक्षण किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर के द्वारा तमाम कर्मचारियों अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारी में लगे हैं। जगह जगह मुख्यमंत्री का कल डीडवाना शहर में स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल 3:15 बजे डीडवाना पहुंचेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। इसके बाद आगे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय शहीद स्मारक से एक विशाल रोड शो का आयोजन किया जाएगा। ये रोड शो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्किल जाकर संपन्न होगा। वहां से मुख्यमंत्री हेलीपैड की ओर प्रस्थान कर जयपुर जाएंगे। देखिए, कल एक शक्ति केंद्र संयोजक पार्टी के मंडल पदाधिकारी, पार्टी के जिले के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि श्रेणी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ एक मुख्यमंत्री जी की अब तक के चुनाव की संचालन और उसकी पद्धति, अब तक हुए चुनाव के काम और आगे 19 तारीख तक हमको क्या करना है, उस विषय पे एक उनकी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। और उसके बाद लगभग 1-2.5 किलोमीटर का रोड शो का कार्यक्रम उनका बना है। एक उत्साह और उमंग के साथ सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि कल नवचैत्र के पहले नवरात्रा पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम डीडवाना की धरती पे होगा। सभी कार्यकर्ता जगह जगह तैयारियां कर रहे हैं, राजस्थानी संस्कृति के हिसाब से, परिधान के हिसाब से, एक जोश और खरोश के साथ इस चुनाव की बेला पर उन्हें एक बार राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, नागौर की सीट रिकॉर्ड मतों से जीते, उसको लेकर के कार्यकर्ता एक उत्साह के साथ इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों को लगे हुए हैं। मेरे साथ हमारे जिला प्रभारी अशोक सैनी जी, जिले के अध्यक्ष भाई गजेंद्र ओजिट जी, जितेंद्र जी जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, और तमाम पार्टी के सभी सीनियर नेताओं की एक बैठक हुई है और बड़े उमंग के साथ सब लोग इस अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के पहली बार डीडवाना आने के दौरे को लेकर तैयारियां उन्होंने की हैं।